YouTube की तरफ से एक नहीं दो नहीं चार ऐसी अपडेट आई है जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। इन चारों अपडेट को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। सबसे पहली अपडेट, अगर आप YouTube में स्टोरीज डालते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स अब आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है जिसे हम लोगो कहते हैं, उसके आसपास रेड कलर का एक सर्कल आएगा। मेरा जो लोगो है इसके आसपास रेड कलर का एक राउंड सर्कल आ जाएगा इस पिक्चर में, आप इस चीज को समझ सकते हो। जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा या फिर अपनी कोई स्टोरी डालूंगा और वो किसी ने नहीं देखी या फिर कम ट्रैफिक उसमें आ रहा है, और मेरी प्रोफाइल पिक्चर में रेड कलर का एक सर्कल बन जाएगा और वो सर्कल आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो किसी की सजेशन में आ रहा है, ब्राउज फीचर में आ रहा है, कहीं पे भी। अगर मेरा कोई वीडियो शो कर रहा है तो उसके पास आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ या मेरी कोई स्टोरी है। जैसे आप उस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे लाइव स्ट्रीमिंग पे ट्रैफिक आने लग जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मेरी स्टोरीज में जाओगे और वहां पे मेरी स्टोरीज पे ट्रैफिक आने लग जाएगा। सेकंड अपडेट है, जब भी आप किसी के वीडियो को फ्लैग करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है ये आपको कभी भी नहीं पता लगता, पर अब यूट्यूब कहता है कि जब भी आप किसी के वीडियो को रिपोर्ट करेंगे, फ्लैग करेंगे, तो आपके पास ईमेल आएगा। ईमेल भी उस केस में आएगा जब उस वीडियो के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया है, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि आपने जो करा है उसके अगेंस्ट कुछ करा गया है या फिर नहीं। अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आती, मतलब कोई भी ईमेल नहीं आता, इट मींस उस वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको ना तो डिलीट करा गया ना ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है। पर उस केस में भी आप www.youtube.com/report-history में जाके देख सकते हैं कि आपने किस डेट को रिपोर्ट करा है, कौन सा वीडियो है और उसका स्टेटस क्या है। ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ से मिल सकती है। चलते अपने थर्ड अपडेट की तरफ। अब वो अपडेट है फ्रेंड्स मेंशन से रिलेटेड। आपको पता होगा जब भी हम किसी यूट्यूबर को कोई भी मैसेज देना होता है तो हम अपने टाइटल के आगे @ लिख के उसके चैनल का नाम दे देते हैं, और जिससे वो लिंक एक हाइपरलिंक बन जाता है। जैसे हमारी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग होती है, उसमें क्लिक करके हम दूसरे पेज में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा नहीं किसी और का वीडियो है, उसने टाइटल लिखने के बाद @TechnoVedant लिख दिया। अब कोई भी @TechnoVedant पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो मेरे चैनल में आ जाएगा, प्लस उसने @TechnoVedant जो लिखा है उसकी नोटिफिकेशन भी मुझे आएगी कि उस चैनल में मेरे लिए क्या कहा गया, मुझे कौन सा मैसेज दिया गया है। पहले यूट्यूब आपको ये फीचर तब देता था जब आपके कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स हो, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके 0 सब्सक्राइबर है तो भी आप अपने टाइटल के आगे @ लगा के उस चैनल का नाम लिख सकते हैं और वो एक हाइपरलिंक पे कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ यूट्यूब की अपडेट है बैड कमेंट्स के ऊपर। कोई भी आपको कोई गाली देता है, कुछ बुरा बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो नॉर्मली हम पहले उसे रिपोर्ट करते थे। रिपोर्ट होने के 48 आवर्स या फिर थोड़ा उससे ज्यादा टाइम भी लगता था, उसके बाद उस कमेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बैड कमेंट करा और उसने अपने चैनल में जाके उस वीडियो में जाके मेरे कमेंट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने के बाद मैंने पिछले दिनों में जितने भी उसके वीडियोज में कोई ना कोई कमेंट, उसकी कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरह का कोई कमेंट दिया होगा, ऑटोमेटिकली मेरे सारे कमेंट्स हाइड हो जाएंगे एक ही क्लिक के अंदर। मतलब उसने मुझे ब्लॉक करा और मेरे सारे कमेंट्स हाइड हो गए, और वो चीज मुझे कभी भी पता नहीं लगेगी। मेरे सामने ऐसा होगा कि मैं किसी को बुरा बोले जा रहा हूँ, बुरा लिखे जा रहा हूँ, वो वहीं पे शो होगा, पर वो सारे मेरे कमेंट्स उसके लिए नहीं, सबके लिए हाइड हो जाएंगे। यहाँ से मुझे लगेगा कि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ और वहां तक वो कमेंट्स पहुंचेंगे भी नहीं। वैसे एक बहुत अच्छी चीज है, हम यूट्यूबर्स के साथ अक्सर ये चीजें होती रहती है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी देखते हैं जो देखने में बहुत बुरा लगता है, कुछ गलत होता नहीं है, पर फिर भी हेटर्स ये घटिया हरकत करते रहते हैं, पर अब यूट्यूब ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।